हे माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर हब। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर स्टोरी फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 3। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट इट। टेक्स्ट बुक इंग्लिश फॉर क्लास 3, एनसीईआरटी, यूनिट 3, द एनॉर्मस टर्निप। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड। तो एक बार की बात है कि एक बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप के सीड्स को बोया था। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने टर्निप को देखा है? टर्निप किसको कहते हैं? हम लोग खाते भी हैं। ये एक वेजिटेबल होती है, ये हमारे खाने में बनती है। इसको हम हिंदी में शलजम भी कहते हैं। और इनॉर्मस का क्या मीनिंग होता है? इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो ये जो स्टोरी है आपकी, आपके चैप्टर की, वो है एक विशाल शलजम की स्टोरी। Thus, turnip seeds grew. The turnip seed grew and grew. और जो इस टर्निप के सीड्स थे वो बड़े होते गए, बड़े होते गए। फिर वो बूढ़े आदमी ने बोला, I want to pull out the enormous turnip, said the old man. तो उसको क्या वो चाहता था कि उसको वो निकाल सके अपने enormous टर्निप को, जो कि बहुत विशाल एक शलजम था। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, और जो वो बूढ़ा आदमी था उसने बहुत कोशिश करी उसको खींचने की, बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। पर वो जो है इस एनॉर्मस टर्निप को नहीं निकाल पाया। फिर एक ओल्ड वुमेन आती है। लुक इट हियर, I want to pull up that enormous turnip, said the old woman. उस old woman ने कहा कि मैं भी इस enormous turnip को निकालना चाहती हूँ, आपकी help करूँगी। I will help you, said the old woman. The old man and the woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. फिर उन दोनों ने मिलके पूरी अपनी ताकत लगाई, पर वो फिर भी उस टर्निप को नहीं निकाल पाए। अ बॉय कम, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन। आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। तो वो फिर एक बच्चा आता है तो वो भी बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ हमारी करो हेल्प, और हमें इस टर्निप को निकालना है। फिर वो तीनों मिलकर उस टर्निप को निकालते हैं, उसको खींचते हैं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। तो फिर उन तीनों ने जब मिलकर निकाला, वो तब भी नहीं निकाल पाए उस विशाल टर्निप को। फिर एक गर्ल आती है, वो बोलती है, वो जब उन लोग को देखती है तो वो बॉय बोलता है उनसे कि वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। उसने बोला कि हमें ये एक विशाल टर्निप को निकालना है। तो गर्ल बोलती है, आई विल हेल्प यू, शी सेड दैट मैं आपकी मदद करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। फिर उन सब ने मिलके अपनी ताकत लगाई और एनॉर्मस बहुत विशाल टर्निप शलजम को निकालने की। अप कम द एनॉर्मस टर्निप, और फाइनली वो निकल गया। और वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। उन्होंने बोला, इतना बड़ा विशाल टर्निप आपको हम इसमें हेल्प करेंगे, हम भी आपके साथ इसको खाएंगे। एंड दे डिड। सो योर स्टोरी
गेट कंप्लीटेड हियर। सो माय डियर्स चिल्ड्रंस, डिड यू लाइक दिस स्टोरी? इफ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आपकी चैप्टर के न्यू वर्ड्स है एनॉर्मस, जिसकी मीनिंग होती है विशाल। टर्निप मीन्स शलजम, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, और लास्ट में आपका दे रखा है पेज नंबर 27 पर पुल्ड। पुल्ड का मतलब होता है खींच कर निकालना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई स्टोरीज लाती रहूँ।